सवाल नंबर 71, सूरतुल समद, सूरतुल निजात, सूरतुल असास, सूरतुल मौजा, सूरतुल तफरीद, सूरतुल तजरीद, सूरतुल जमाल और सूरतुल ईमान किस कुरानी सूरह के नाम हैं? सही जवाब है सूरतुल इखलास। सवाल नंबर 72, जब वक्त आया तो मैं सबसे पहले आगे बढ़कर सीने पर गोली खाऊंगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अल्फाज कब और कहाँ कहे? सही जवाब है 16 अक्टूबर 1945 क्वेटा में। सवाल नंबर 73, अशरा मुबशरा सहाबियों में से सबसे आखिर में इंतकाल करने वाले सहाबी का नाम बताएं। सही जवाब है हज़रत सहद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाहु अन्हु, 55 हिजरी में मदीना में इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 74, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हु में एक पख्तून भी थे, इन पख्तून सहाबी का नाम बताएं। सही जवाब है कैस अब्दुल रशीद, आपको अमराव कैस भी कहा जाता है। सवाल नंबर 75, पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत तहसीलदार, चेयरमैन वाडा, सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वजीर खजाना, चेयरमैन सेनेट और सदर के उज़्म पर फाइज रही? सही जवाब है साबक सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान। सवाल नंबर 76, वो कौन से चांद जानदार हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा। सवाल नंबर 77, कुरान की किस सूरत को कुरातुल वाजिबा कहते हैं? सही जवाब है सूरतुल फातिहा, क्योंकि नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। सवाल नंबर 78, बिल्ली अगर किसी बर्तन में से कोई चीज़ खा ले या पी ले तो क्या वो चीज़ पाक ही रहती है या नापाक हो जाती है? सही जवाब है पाक ही रहती है। सवाल नंबर 79, दुनिया में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? सही जवाब है इंग्लिस्तान में। सवाल नंबर 80,
कुरान अल हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किस सिफ्त का जिक्र सबसे ज्यादा मर्तबा फरमाया है? सही जवाब है रबूबियत का।